नमः सिद्धेभ्यः। जब आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। अयोध्या शासक तीर्थ क्षेत्र की जय। ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। ज्ञानमती गुणरत्न है दिव्य निधि के समान, इनके पद में नमन से मिलता है श्रुति ज्ञान। भव्यात्माओं, ज्ञानांजलि महोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। आज महोत्सव का 9वां दिवस है, इसलिए सहस्त्रनाम मंत्र का 9वां शतक चलेगा। सर्वप्रथम आज के इस 9वें दिवस का दीप प्रज्वलन आज हमारे बीच में पधारी हैं श्रीमती डिंपल जैन, धर्मपत्नी आशीष जैन, बहराइच उत्तर प्रदेश से, जो भाजपा जिला अध्यक्ष हैं बहराइच में, एवं किसान पीजी कॉलेज की प्रोफेसर। डिंपल जी जैन समाज के अंदर बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। ऐसी डिंपल जी आशीष आए कि नहीं? अच्छा। और बहराइच के और भी नवयुवक जन साथ में हैं, इनका सौभाग्य है कि आज के ज्ञानांजलि महोत्सव का दीप प्रज्वलन करने का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम ज्ञान ज्योति स्यात् ज्ञानांजलि महोत्सवे, मंगलम स्वात्म ज्योति स्यात् कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। जो लोग ज्ञानांजलि महोत्सव की परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की ये सौभाग्य प्राप्त किया डिंपल जी ने, और उनके साथ में बहराइच से पधारे अनेक नवयुवकगण, समाज के कार्यकर्ता लोग, सभी के लिए मंगल आशीर्वाद के साथ संघर्ष बाल ब्रह्मचारिणी कुमारी मीना बहन जी आकर के और डिंपल जी का मंगल स्वागत सम्मान करें। आ जाओ आशीष, तुम भी। हाँ, सभी लोग बैठ जाएंगे। और अब सहस्त्रनाम मंत्र का 9वां शतक प्रारंभ होता है। डिंपल जी आ जाओ इधर, बहन जी जरा स्वागत करेंगी। सहस्त्रनाम मंत्र का 9वां शतक प्रारंभ हो रहा है। 800 मंत्र आप सब लोगों ने किए हैं और उससे अपनी वस्तुओं को मंत्रित किया है। सहस्त्रनाम मंत्र वास्तव में बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। जिस मंत्र से मंत्रित जल वगैरह पीने से, वस्तुएं सेवन करने से विद्या बुद्धि बढ़ती है, ज्ञान का विकास होता है। तो ऐसे 9वें शतक का शुभारंभ हो रहा है। डिंपल जैन के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, और इनके पति आशीष जैन का भी स्वागत करें। प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी जैन, बहराइच के से आए हुए सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अब शतक प्रारंभ हो रहा है। ओम ह्रीं त्रिकालदर्शिने नमः, ओम ह्रीं लोकेशाय नमः, ओम ह्रीं लोकधात्रे नमः, ओम ह्रीं दृढ़व्रताय नमः, ओम ह्रीं सर्वलोकातिगाय नमः, ओम ह्रीं पूज्याय नमः, ओम ह्रीं सर्वलोकैकसारथिये नमः, ओम ह्रीं पुराणाय नमः, ओम ह्रीं पुरुषाय नमः, ओम ह्रीं पूर्वाय नमः, ओम ह्रीं कृतपूर्वांग विस्तराय नमः, ओम ह्रीं आदिदेवाय नमः, ओम ह्रीं पुराणाध्याय नमः, ओम ह्रीं पुरुदेवाय नमः और किताब, ओम ह्रीं आदिदेवतायै नमः, ओम ह्रीं युगमुख्याय नमः, ओम ह्रीं युगज्येष्ठाय नमः, ओम ह्रीं युगादिस्थितिदेशकाय नमः, ओम ह्रीं कल्याणवर्णाय नमः, ओम ह्रीं कल्याणाय नमः, ओम ह्रीं कल्याय नमः, ओम ह्रीं कल्याणलक्षणाय नमः, ओम ह्रीं कल्याणप्रकृतये नमः, ओम ह्रीं दीप्रकल्याणात्मने नमः। ओम ह्रीं विकल्मषाय नमः। ओम ह्रीं विकलंकाय नमः। ओम ह्रीं कलातीताय नमः। ओम ह्रीं कलिलग्नाय नमः। ओम ह्रीं कलाधराय नमः। ओम ह्रीं देवदेवाय नमः। ओम ह्रीं जगन्नाथाय नमः। ओम ह्रीं जगद्बन्धवे नमः। ओम ह्रीं जगद्विभवे नमः। ओम ह्रीं जगद्धितैषिणे नमः। ओम ह्रीं लोकज्ञाय नमः। ओम ह्रीं सर्वगाय नमः। ओम ह्रीं जगदग्रजाय नमः। ओम ह्रीं चराचर गुरवे नमः। ओम ह्रीं गोप्याय नमः। ओम ह्रीं गूढ़ात्मने नमः। ओम ह्रीं गूढ़गोचराय नमः। ओम ह्रीं सद्योजाताय नमः। ओम ह्रीं प्रकाशात्मने नमः। ओम ह्रीं जलज्ज्वलन सप्रभाय नमः। ओम ह्रीं आदित्यवर्णाय नमः। ओम ह्रीं भर्माभाय नमः। ओम ह्रीं सुप्रभाय नमः। ओम ह्रीं कनकप्रभाय नमः। ओम ह्रीं सुवर्णवर्णाय नमः। ओम ह्रीं रुक्माभाय नमः। ओम ह्रीं सूर्यकोटि समप्रभाय नमः। ओम ह्रीं तपनीय निभाय नमः। ओम ह्रीं तुंगाय नमः। ओम ह्रीं बालार्काभाय नमः। ओम ह्रीं अनलप्रभाय नमः। ओम ह्रीं संध्याभ्रवभ्रवे नमः। ओम ह्रीं हेमाभाय नमः। ओम ह्रीं तप्तचामी करच्छवे नमः। ओम ह्रीं निष्टप्त कनच्छायाय नमः। ओम ह्रीं कनत कांचन सन्निभाय नमः। ओम ह्रीं हिरण्यवर्णाय नमः। ओम ह्रीं स्वर्णाभाय नमः। ओम ह्रीं शांतकुंभ निभप्रभाय नमः। ओम ह्रीं धुम्नाभाय नमः। ओम ह्रीं जातरूपाभाय नमः। ओम ह्रीं तप्तजाम्बून दद्युते नमः। ओम ह्रीं सुधौत कलधौत श्रिये नमः। ओम ह्रीं प्रदीप्ताय नमः। ओम ह्रीं हाटक द्युते नमः। ओम ह्रीं शिष्टेष्टाय नमः। ओम ह्रीं पुष्टिदाय नमः। ओम ह्रीं पुष्टाय नमः। ओम ह्रीं स्पष्टाय नमः। ओम ह्रीं स्पष्टाक्षराय नमः। ओम ह्रीं क्षमाय नमः। ओम ह्रीं शत्रुघ्नाय नमः। ओम ह्रीं अप्रतिघाय नमः। ओम ह्रीं अमोघाय नमः। ओम ह्रीं प्रशास्त्रे नमः। ओम ह्रीं शासिस्त्रे नमः। ओम ह्रीं स्वभुवे नमः। ओम ह्रीं शांतिनिष्ठाय नमः। ओम ह्रीं मुनिज्येष्ठाय नमः। ओम ह्रीं शिवतातये नमः। ओम ह्रीं शिवप्रदाय नमः। ओम ह्रीं शांतिदाय नमः। ओम ह्रीं शांतिकृते नमः। ओम ह्रीं शांतये नमः। ओम ह्रीं कांतिमते नमः। ओम ह्रीं कामितप्रदाय नमः। ओम ह्रीं श्रेयोनिधिये नमः। ओम ह्रीं अधिष्ठानाय नमः। ओम ह्रीं अप्रतिष्ठाय नमः। ओम ह्रीं प्रतिष्ठिताय नमः। ओम ह्रीं सुस्थिराय नमः। ओम ह्रीं स्थावराय नमः। ओम ह्रीं स्थास्नवे नमः। ओम ह्रीं प्रथीयसे नमः। ओम ह्रीं प्रथिताय नमः। ओम ह्रीं पृथ्वे नमः। ओम ह्रीं त्रिकालदर्शादि शतनामभ्यो नमः। इस प्रकार से आपने आज सहस्रनाम मंत्र का 9वां शतक परिपूर्ण किया है और कल 10वां शतक होगा और सहस्रनाम मंत्र इस प्रकार से समापन हो जाएगा। तो भक्तों ने बहुत अच्छी भक्ति करी, भगवान के नाम मंत्र की आराधना। अब क्रम के अंदर हमारे एक छोटी सी भजन की धुन आपको दी जा रही है, उस धुन को पहचानना है और पहचान करके चैट बॉक्स में जो कोई सही धुन का नाम अपने पते के साथ लिखेगा वही प्रथम विजेता माना जाएगा और उसको अयोध्या की धरती से सम्मानित किया जाएगा। बहन जी धुन बजा दें। ये भजन की धुन बज चुकी और आप लोग चैट बॉक्स में लिख रहे होंगे। ऑनलाइन प्रतियोगिता है, आप भी बता रहे हैं क्या है धुन का नाम। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर जो ऑनलाइन लिखेंगे चैट बॉक्स में। अब यहाँ पर जिन लोगों ने भाग लिया है उनमें से डिंपल जैन ने भी ये पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य लिया। आइए, और ऑनलाइन अलग है, जो उसमें पहला नाम आएगा उनको भी सम्मानित किया जाएगा। और हमारे यहाँ पर दो लोगों ने, हमारे सतीश जी जैन सतना वालों ने, शशि जैन सतना वालों ने भी धुन को पहचान करके और बताया है, बहुत ही सरल धुन थी ऐसे तो। आइए सतीश जी और शशि जी, ये पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के ओरिजिनल चरण के चांदी का सिक्का, ये जो साक्षात लोग यहाँ पर बैठ करके धुन को पहचान करके उत्तर दे रहे थे, उनका उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। सतीश जैन शशि जैन सतना से आए हैं। इन्होंने अयोध्या में तीन लोक की रचना में एक मूर्ति विराजमान करने का भी सौभाग्य प्राप्त किया है, उसकी स्वीकृति प्रदान की है। आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और डिंपल जी ने भी, और बहराइच से आए हुए लोगों में से आप बोल दो कि बहराइच से हमारे बीच में स्वरूप चंद जी संदीप जैन बहराइच वालों ने 5 रत्न शिलाएँ 5100 रुपये की राशि तीर्थ विकास के लिए प्रदान की है। ये डिंपल जी के पिताजी हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिवादन। और आप सभी जो हमारे बीच में पधारे हैं उन सभी को ये जानकारी देनी है कि द्रुत गति से निर्माण का कार्य चल रहा है। जिस किसी भाई बहन को अपनी ओर से इस कार्य में सहयोग करना है, मात्र 1000 रुपये की एक रत्नशिला है। 11, 21, 51, 108 जो भी रत्नशिला लगाना चाहें अपनी ओर से लगा सकते हैं। और 1,11,000 रुपये की एक प्रतिमा 3 लोक में विराजमान हो रही है। तो जिनकी भी भावना बने अपना नाम लिखा दें, राशि अपनी सुविधा अनुसार भेज सकते हैं। चलिएगा, जो नाम लिखाएंगे तो उनको आगे नाम उनका घोषित भी किया जाएगा। अब हम आते हैं सन 1960 के चातुर्मास में। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने अपने दीक्षित जीवन का 8वां चातुर्मास राजस्थान के सुजानगढ़ नगर में आचार्य श्री शिवसागर महाराज के साथ किया, जो इस परंपरा के द्वितीय पट्टाचार्य हुए हैं। वहाँ सुजानगढ़ जैन समाज के अंदर आज ज्ञात हुआ। बहुत ही उत्साह का वातावरण है। यद्यपि ये लोग रविवार चाहते थे, लेकिन आज हम क्या करें, आज आपका नंबर आज ही आया है। आज है शुक्रवार, तो आज भी आप लोग दर्शन करा रहे हैं। तो जैन समाज के अध्यक्ष हैं वहाँ के सुनील जी बगड़ा, मंत्री पारस जी बगड़ा, उपमंत्री रौनक जी पांड्या, और सदस्यों में हैं नवीन जी बगड़ा, डॉक्टर सरोज जी छाबड़ा, पवन जी छाबड़ा, महिलाओं में श्रीमती मैना देवी पाटनी, प्रेमलता जी बगड़ा, कुसुम देवी बगड़ा, गणपति देवी बगड़ा, ललिता देवी बगड़ा, मंजू पहाड़िया, सरिता देवी गंगवाल एवं बहुत सारे श्रावक श्राविकाएं वहाँ उपस्थित हैं। और विशेष सहयोग जिन्होंने मंदिरों के फोटो आदि के में सहयोग प्रदान किया है, श्री शैलेंद्र जी गंगवाल जो मुनि संघ कमेटी के अध्यक्ष हैं। तो इन लोगों ने जो जिन मंदिर का हमें दर्शन कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, इनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। मंदिर के दर्शन कराएं बहन जी। और उन मंदिरों के दर्शन करके पूरा देश आज पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के इस 8वें चातुर्मास से पवित्र सुजानगढ़ नगरी के मंदिरों के दर्शन करेंगे, अर्घ चढ़ाएंगे। श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, जहां भगवान पार्श्वनाथ की मूल वेदी है। नसिया जी दिगंबर जैन मंदिर, आदिनाथ भगवान जहाँ के मूल नायक हैं। श्री दिगंबर जैन पांड्या चैत्यालय, महावीर भगवान जहाँ के मूल नायक हैं। और आदिनाथ बाहुबली मंदिर, जहाँ आदिनाथ बाहुबली और महावीर स्वामी विराजमान हैं। ये दर्शन हो रहे हैं, बहुत सुंदर। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी भी जरा इसमें मंदिर के दर्शन कर रही हैं। ये माता जी इसमें दर्शन कीजिए, देखो उसमें वो देखो दर्शन करा रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं। और पूरा देश इस बात से बहुत प्रसन्न है कि हमें कई स्थानों के जिन मंदिरों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो इन मंदिरों के दर्शन करते हुए अब प्रतिमाओं के लिए अर्घ चढ़ाएंगे, सुजानगढ़ के चातुर्मास का स्मरण करते हुए। गुरु संग का राजस्थान भ्रमण भक्तों को बड़ा सुहाता था, जा संग पहुँच जाता भक्तों का मेला ही लग जाता था। श्री शांति सिंधु की परंपरा का यही संग कहलाता था। शिवसागर सूर्य का अनुशासन वात्सल्य सभी को भाता था। 1960 ईस्वी सन चौमासा हुआ सुजानगढ़ में, श्री ज्ञानमती की ज्ञान प्रभा का लाभ लिया पूरे संघ ने। मुनि और हारिकाओं के साथ पूरी समाज ने लाभ लिया, फिर संघ ने पंच कल्याण हेतु लाडुनु किए और विहार किया। चैतन्य तीर्थ इस तरह अचेतन तीर्थों को चमकाते हैं, आत्म कल्याण के साथ सभी को शिवपथ राह बताते हैं। फिर चले फतेहपुर शेखावाटी, प्रभु वेदी की प्रतिष्ठा थी। ज्ञानोपयोग में लीन ज्ञानमती माता संग प्रतिष्ठा थी। अर्घ्य समर्पण कर नमो जिन मंदिर जिन नाथ, पुनः अर्घ्य अर्पण करूं ज्ञानमती पद आज। ओम रीम अष्टम चातुर्मास स्थल सुजानगढ़ राजस्थान नगरस्य जिन मंदिरेषु विराजित समस्त जिन प्रतिमाभ्यः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम रीम दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ सहित समस्त जिन प्रतिमाभ्यः अर्घ्यम निर्पामीति। ओम रीम नस्याजी दिगंबर जैन मंदिर स्थित भगवान आदिनाथ सहित समस्त जिन प्रतिमाओं के चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति। ओम रीम श्री दिगंबर जैन पांड्या चैत्यालय के महावीर स्वामी सहित समस्त जिन प्रतिमा के चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति। ओम रीम आदिनाथ बाहुबली महावीर स्वामी के चरणारिंद में अर्घ्यम निर्पामीति। और इसमें चूंकि और भी नगरों का यहाँ उल्लेख किया गया है तो उन नगरों के मंदिरों का भी अर्घ चढ़ाएंगे। ओम रीम लाडनू नगर से जिन मंदिरेषु विराजित समस्त जिन प्रतिमाभ्यः अर्घ्यम निर्पामीति। ओम रीम फतेहपुर शेखावाटी नगर से जिन मंदिरेषु विराजित समस्त जिन प्रतिमाभ्यः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। अब पूज्य ज्ञानमती माता के चरणों में। पिछिका मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन खुला। ओम रीम भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख हारिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जिन्होंने सन 1960 का अपना 8वां चातुर्मास सुजानगढ़ में स्थापित किया, ऐसी ज्ञानमती माता के चरण में सुजानगढ़ समाज की ओर से एवं समस्त भारत की ओर से यहाँ पर अयोध्या में उपस्थित समस्त भक्तों की ओर से अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जलो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की भव्यात्माओं। जैसे उस युग में यानी सन 1960 में आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा का एकमात्र संघ या तो आचार्य वीर सागर महाराज का था, उनकी समाधि के बाद आचार्य शिवसागर महाराज का संघ बना। तो जैसे वह संघ बहुत ही मशहूर हुआ वैसे ही गणनी ज्ञानमती माता जी इस युग की जो प्रथम बाल योगिनी बाल ब्रह्मचारिणी हारिका थी, वह उस समय उस संघ की पूरी प्रतिष्ठा के रूप में प्रतिष्ठापित थी, क्योंकि मुनि हारिकाओं को अध्ययन कराती थीं। सारी समाज के अंदर लोग उमड़ पड़ते थे ज्ञानमती माता जी के प्रवचन को सुनने के लिए, शास्त्रोक्त शंकाओं का समाधान प्राप्त करने के लिए। ऐसी गणनी ज्ञानमती माता जी का ये ज्ञानांजलि महोत्सव सभी लोग मिल करके मना रहे हैं, उनके श्री चरणों में अपनी विनयांजलि भी समर्पित कर रहे हैं। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन हम लोगों को प्राप्त होगा और सुजानगढ़ के कुछ संस्मरण भी पूज्य माता जी बताने का कष्ट करेंगे। जब लोग पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। पारस चैनल वाले ध्यान दें, जैसे ही पारस चैनल का समय समाप्त हो तो ऋषभ देव जूम चैनल पर आ जाएं ताकि आप पूज्यगण्य ज्ञानमती माता के पूरे प्रवचन और संस्मरणों से लाभान्वित हो सकें। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्विषे यज्ञानान्तर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्पदायते सुजानगढ़ में चातुर्मास में एक विशेष संस्मरण याद आ जाता है जो कि मेरी स्मृति में मैंने लिखा भी। वहाँ हारिका इंदुमती माता जी संग में थी और सुपार्श्वती माता जी जो ब्रह्मचारिणी भौरीबाई थी उनकी दीक्षा आचार्य श्री वीर सागर महाराज के कर कमलों से कान्या में हो चुकी थी। वो दोनों थी, उनके पास एक ब्रह्मचारिणी थी शांताबाई नाम से। ये शांतिबाई ब्रह्मचारिणी जो थी ये हारिका दीक्षा लेना चाहती थी। आचार्य श्री के कर कमलों से दीक्षा दिलाने का निर्णय हुआ और मुहूर्त निकाला गया, चतुर्मास में मुहूर्त निकला और उस दिन जो है उसी समय संघ में एक वृषभ सार जी थे जो दिल्ली के थे, सब्जी मंडी के, हमारे से पुराने ज़माने से परिचित थे, क्षुल्लक अवस्था से ये क्षुल्लक थे संघ में। इन्होंने मुनि दीक्षा के लिए प्रार्थना की, आचार्य श्री ने वो भी स्वीकार किया, उनकी मुनि दीक्षा का निर्णय हो गया। उसी समय क्या है कि संघ में एक क्षुल्लक आए थे, उनका नाम था शीतल सागर। वो महावीर कीर्ति महाराज के शिष्य थे। श्वेत वस्त्र, श्वेत धोती दुपट्टा और श्वेत लंगोटी और दुपट्टा रखते थे। तो संघ में उनको रखने से कुछ साधुओं ने निषेध भी किया, विरोध भी किया, लेकिन उनकी बुद्धि अच्छी थी, पढ़ने की इच्छा थी, जिज्ञासा थी। तो मेरे आग्रह से मैंने कहा कुछ दिन रहने दो। तो वो मेरे पास भी सब सज्जन संघ साधु अध्ययन करते थे, उसमें वो बैठते थे, अध्ययन चलता रहता था, कभी प्रमेय मार्तंड का, जनन प्रक्रिया आदि का अध्ययन आदि अनेक ऊंचे ऊंचे विषयों का अध्ययन चलता था। जब वो भी दीक्षा के लिए तैयार हो गए और 3 दीक्षा होने का निर्णय हो गया ब्रह्मचारिणी शांतिबाई की हारिका दीक्षा और 2 की मुनि दीक्षा, 2 छुल्लक की मुनि दीक्षा। 3 चौक पूरे गए और छुल्लक जी भी सब साथ बैठ गए, अपनी छुल्लक दीक्षा के लिए प्रार्थना करके उस चौक पर आ गए और ब्रह्मचारिणी शांताबाई बैठ गई और शीतल। जब आचार्य श्री शिवसागर महाराज ने नियम कराना शुरू किया, प्रारंभ में ही अपनी संघ की परंपरा है, तो आचार्य श्री ने कहा कि आप सभी दीक्षा लेकर के, हारिका और मुनि दीक्षा लेकर के आचार्य श्री शांताबाई महाराज की परंपरा के अनुकूल ही प्रवृत्ति करेंगे, ऐसा नियम करें। फिर जो है चौक पर फिर हम दीक्षा के संस्कार शुरू करें। तो 2 ने तो नियम कर लिया, ब्रह्मचारिणी शांतिबाई ने और तिलक विश्व सागर ने, और जो तिलक सीता सागर से थे महावीर किसी से वो पीछे हो गए। वो चौक पर से वो पीछे पैर अपने उठाए और चौक से नीचे उतर गए, बोले मैं नियम नहीं करूँगा। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये क्या। उन्होंने कहा नहीं मैं नियम नहीं करूँगा, मेरे जो संस्कार हैं 13 पंथ के, मैं नियम नहीं करूँगा। तो वो चौक खाली हुआ। आचार्य श्री शिवसागर जी महाराज ने मेरी तरफ देखा और इसी समय क्या हुआ, संघ में भाभीसागर जी थे जो पहले ब्रह्मचारी अवस्था में मेरे पास रहे हुए थे और परिचित थे, वो उनका नाम तिलक में भाभीसागर था। वो भाभीसागर जी दीक्षा लेना चाहते थे मुनि की, लेकिन आचार्य श्री ने कहा था अभी थोड़े दिन बाद देखेंगे। तो हमने उनको कहा, हमने कहा कि आप तैयार हो जाएं। वो आकर खड़े हो गए प्रार्थना करने। आचार्य श्री ने सुरसागर जी महाराज, मुनि ने, मुनि सुरसागर जी जो थे संघ में, आचार्य श्री उनकी बहुत मान लेते थे, उन्होंने भी निवेदन किया महाराज जी कोई बात नहीं, इनमें कोई कमी नहीं है, ये आज्ञा पालन करते हैं पूर्ण रूपेण आपकी। आप इनको भी दीक्षा दे दीजिए मुनि की। और भाभीसागर जी को उसी चौक पर बिठा दिया गया। तीनों जो है दीक्षा के लिए तैयार हो गए और दीक्षाएँ के संस्कार शुरू होकर के दो की मुनि दीक्षा हो गई। ऋषभ सागर का नाम आचार्य महाराज ने मुनि ऋषभ सागर ही रखा और भाभीसागर का नाम भाभीसागर ही रखा, चूँकि महाराज के दिए हुए नाम थे, उनके द्वारा ही दी हुई दीक्षाएँ थी। और ब्रह्मचारिणी शांताबाई का नाम मुझे इसमें याद नहीं है, कुछ है उनके पास थी, सिपार्षी के पास, उनकी भी हारिका दीक्षा हो गई। तीनों की दीक्षा होने के बाद जो है क्या होता है कि जो कुछ मुनि विरोधी लोग होते हैं उनको मौका मिल जाता है। तो जो तिलक सीता सागर जी चौक से पीछे हट गए थे तो उनके पक्ष में और आचार्य श्री के विरोध में कोई लेख निकाला, तो तिलक सीता सागर ने स्वयं उसका समाधान निकाला, हाथ के हाथ अखबार में छपा दिया कि इसमें आचार्य श्री का कोई दोष नहीं है, मेरे तेरापन के संस्कार होने से मैं नियम पालन करने में असमर्थ रहा हूँ, इसलिए मैंने दीक्षा नहीं ली है और कोई दूसरा कारण नहीं है, आचार्य महाराज का इसमें कोई दोष नहीं, संघ का कोई दोष नहीं। इसलिए वो लोग चुप हो गए, शांत हो गए, सब बात खत्म हो गई। पुनः संघ का वहाँ से चातुर्मास होने के बाद संघ का विहार सीकर हो गया। सीकर में आ गए आचार्य श्री और सीकर में अद्भुत प्रभावना ही रही है। वहाँ की भी कुछ घटनाएं विशेष ही रही। सीकर में जो है एक ब्रह्मचारी आ गए और उन्होंने कहीं कह दिया था कि महिलाएं अभिषेक नहीं कर सकती, इसका तो कहना तेरापंथ में रहता ही है, लेकिन उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि महिलाएं मुनियों को आहार नहीं दे सकती। ये मूल शंकर देसाई थे। तो इनका जो है पहले खानिया में भी, मुंबई में जब नवी सार महाराज थे तो खानिया में आचार्य श्री वीर सागर महाराज थे, उस समय भी चर्चा आई थी और उस समय भी इनको जो है बुला करके जयपुर के लोगों ने आचार्य श्री के सामने बिठाला था और अनेकों प्रमाण दिखाकर आचार्य श्री वीर सागर महाराज के समय उन्हें कहा गया था, जयपुर के लोग तो यहाँ तक थे कि उनको पीटने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन आचार्य श्री ने मना कर दिया, कोई पीटना नहीं, विद्वान को मारना पीटना नहीं, अपने अपनी विचारधारा है, जिसको जो कहना है कहने दो, उसमें क्या है, सभी प्रकार के लोग हैं। तो उस समय फिर वो वहाँ पर वो चर्चा लेकर आ गए और उन्होंने फिर चर्चा उठा दी। फिर ये क्या हुआ, सीकर में सहज ही नवंबर दिसंबर में ये निर्णय हो गया कि वो विद्वान ने चैलेंज कर दिया कि हम शास्त्रार्थ करेंगे, पंथवाद के ऊपर हम शास्त्रार्थ करेंगे। आचार्य श्री शिवसागर ने कहा बहुत ठीक है, शास्त्रार्थ कीजिए। अगले दिन का टाइम निश्चित हो गया, 3 दिन के लिए शास्त्रार्थ की चर्चा रखने की बात हो गई और शास्त्रार्थ का निर्णय होते ही आचार्य श्री ने कह दिया कि एक तरफ वो ब्रह्मचारी जी बैठेंगे और हम लोग तो सत्संग उपस्थित रहेगा ही रहेगा, और शास्त्रार्थ में सबसे पहले हारिका ज्ञानमती बैठेंगी, वो समाधान देंगी, हर प्रमाण वो देंगी। आचार्य श्री को इस बात का गौरव रहता था, कोई प्रमाण देना हो, कुछ करना हो तो मेरे को बुलाते थे और मैं शास्त्रीय प्रमाण निकाल कर उन्हें दे देती थी। तो आचार्य श्री ने कह दिया ज्ञानमती माता जी बैठेंगी। अब वो जो है पहले भी चर्चा हो चुकी थी, चूँकि खानिया में उनको मालूम था कि ज्ञानमती के सामने कोई हम शास्त्रीय बात में टिक नहीं चाहेंगे, तो रात की रात में चले गए, गायब हो गए, पता ही नहीं चला कहाँ गए हैं। सब लोगों ने सुबह जो है चर्चा किया कि शास्त्रार्थ के लिए व्यवस्था बनी और मंच पर जो है सारी व्यवस्थाएं बन गई। एक तरफ वो विद्वान बैठेंगे, एक तरफ माता जी बैठेंगे और सब एक तरफ संग रहेगा मुनियों का, हारिकाओं का। अब जो है पता चला कि वो तो ब्रह्मचारी जी गायब हो गए, है ही नहीं, तो बात खत्म हो गई। तो बात यही है कि उस समय पुनः जो चर्चा आई सीकर में भी पंथवाद की। तो यद्यपि मेरा अपना ये शुरू से रहा है, शुरू से संकल्प जैसा रहा है कि सभा में कभी भी हम पंथवाद को नहीं लेते हैं, आम सभा में या पब्लिक में और प्रवचनों में। सभा को अलग से कोई चर्चा आती तो उसका समाधान और प्रमाण आगम के दिखा देते हैं। फिर भी जो है जब चर्चा आई पंथवाद के ऊपर तो प्रमाण तो दिखाने ही पड़ते हैं और प्रमाण उपस्थित करने पड़ते हैं। प्रमाण दिखाने में आचार्य श्री मेरे को बुला लिया करते थे और मैं निकाल कर प्रमाण दे देती थी। बात यही है, संघ में हमारे जो अभी सतना से आए सतीश जी, हमें आज गौरव है, प्रसन्नता है कि इनके पिताजी की बहन निर्मल जी सतना, निर्मल जैन, नीरज जैन, उनकी बहन हारिका विशुद्धमती जो हुई है संघ में, वो भी प्रमाण दिखाने में हर चीज़ों में बहुत आगे थी और हमारे से पहले प्रमाण मांगा करती थी। अब पुनः हमने देखा है कोई भी प्रसंग आओ, चाहे भ्रष्टाचारी के बारे में आया तो उन्होंने लेखनी उठाई और महिलाओं के हारिकाओं की नवधा भक्ति के बारे में प्रसंग आया, हारिकाओं की नवधा भक्ति नहीं होनी चाहिए तो उसके बारे में भी उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। हर विषय में उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है और प्रमाण उपस्थित किया है। तो बात यही है कि हम लोग जो है उस समय हम ज्ञानमती को, अपने संघ की हारिकाओं को, सबको और साधुओं को भी मूलाचार जैनेन्द्र प्रक्रिया आदि का स्वाध्याय कराते थे और अनेक प्रमाण समय समय का दिखाते रहते थे। तो बात यही है कि हमें वर्तमान में आज केवली नहीं है, शुद्ध केवली नहीं है और अवधि ज्ञानी नहीं, मनप्रिय ज्ञानी नहीं है। आज हमारे लिए उनकी वाणी जो है, जो षटखंडागम ग्रंथ हैं, मूलाचार हैं और गौतम गणधर की वाणी है, अनाज इंधन शाश्वत, ऐसे जो प्रकरण हैं उन ग्रंथों के आधार से ही हम और आप आज अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं और उन्हीं आगम के आलोक में अपने ज्ञान को समीचीन बनाकर समय ज्ञान को प्राप्त करके और समय चारित्राधिक में बढ़ करके मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं। ये दिनवाणी और जो भगवान की वाणी आज जो भले द्वासांग नहीं है, द्वासांग का अंश है, वो जयवंत रहे, इसी भावना के साथ आप लोग भी आगम का स्वाध्याय करके अपने ज्ञान को परिपक्व करें, ज्ञान को वृद्धिंगत करें, समीचीन ज्ञान को प्राप्त करें और रत्नात्र की प्राप्ति करके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। यही प्रेरणा सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। परम पूज्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की।